खरगोन नगर के भगत सिंह चौराहे से गणेश मंदिर तक भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए। यात्रा का मुख्य मार्ग पर अनेक स्टॉल लगाकर जगह जगह भव्य स्वागत भी किया गया। बताया जा रहा है जिले के सनावत से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में यात्रा की शुरुआत हुई। ऐसे में खरगोन में भी भव्य स्वागत हुआ, जहां जन आशीर्वाद रथ पर भाजपा नेताओं के साथ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सवार हुए और यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ। इस दौरान पूर्व के कृषि मंत्री बालकृष्ण पाटीदार, नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी, सांसद गजेंद्र पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र राठौर, परशुराम चौहान सहित भाजपा नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान विजयवर्गीय ने बताया कि जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर उन्हें जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और मिशन 2023 में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। मुट्ठी अगर बंदी हुई रहती है ना तो बहुत ताकतवर होती है, खुली होती है तो एक एक उंगली कोई भी तोड़ सकता है। मुट्ठी बांध के रखना, जनता पार्टी को बताना है पिछले वाली भूल नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जिताना, यही संकल्प लेना हमको गणेश जी के सामने जिताएंगे सब लोग, सब भाजपा को पैर पूछते हैं, महिलाओं को माँ मानते हैं, अंबे माँ मानते हैं, दुर्गा माँ मानते हैं, सरस्वती मानते हैं, गायत्री मानते हैं, ये हमारी परंपरा है। अभी यदि मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना लागू की तो हमारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं ये वोट के लिए की, प्यारे वोट के लिए नहीं किए। लाडली लक्ष्मी योजना हमने 2004 में लागू की थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए की थी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2005 में हमने लागू की थी, क्या वोट के लिए की थी? अरे हमारे दिल के अंदर गरीब के प्रति दर्द है, इसलिए गरीब कल्याण की योजना लागू करते हैं, और महिलाओं के प्रति सम्मान है इसलिए उनके सम्मान के लिए हम योजना लागू करते हैं, और इसलिए बोले भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी की 5 जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है अलग अलग स्थानों से, और लगभग हम लोग 10,500 किलोमीटर की यात्रा करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, इसमें दो मत नहीं है कि हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो केंद्र सरकार ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं, जो मध्य प्रदेश सरकार की गरीब कल्याण की योजना, इससे गरीब लोग बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रति अनुराग कर रहे हैं, बड़ा प्यार कर रहे हैं। बहुत आपने देखा होगा रास्ते भर गरीब गरीब लोग आ रहे हैं, गरीब माताएं आ रही, गरीब बहन आ रही और आशीर्वाद दे रही हैं। ये बहुत सफल, मैंने बहुत सारी जन आशीर्वाद यात्राएं की है पिछले 3 बार से तो मैं कर ही रहा हूँ, पर इस बार जैसा जो प्यार है, जो अनुराग है, पहले मैंने कभी नहीं देखा। मुझे लगता है 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा से हम सरकार बनाएंगे। सनातन धर्म को सनातन धर्म पर हमेशा आरोप डेंगू मलेरिया से तुलना की जा रही है, मूर्खतापूर्ण बयान है। शायद वो सनातन का मतलब ही नहीं समझता है। सनातन का मतलब ही होता है लगातार हमेशा चलने वाला। वो तो क्या, उनके बाप दादे आ जाए तो सनातन को धर्म नहीं, सनातन को समाप्त नहीं कर सकते। सनातन धर्म की जड़ें बहुत गहरी है, इस देश की पहचान ही सनातन धर्म है। भारत यदि विश्व गुरु बना है तो सनातन धर्म के माध्यम से, फिर विश्व गुरु बनेगा तो सनातन धर्म के माध्यम से। देखने में यार भाजपा के अलावा किसी और पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया। सबको वोट की चिंता है, हमको वोट की चिंता नहीं, हमको धर्म की चिंता है और देश की चिंता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।